हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं बढ़िया होंगे। और फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एंड हमारे जट प्रभजोत पाजी एक ब्लॉगर हैं, उनका हाल ही में नेपाल राइड पे एक एक्सीडेंट हो गया, तो उनके वीडियोस हम पहले से देखते, जब से उनके 10,000 सब्सक्राइबर्स थे तब से हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं। इवन अभी उनकी फैमिली भी ब्लॉगिंग करती है तो हम उनके फैमिली ब्लॉग्स भी देखते हैं। बट अभी बहुत दुख की खबर है कि उनका नेपाल राइड पे एक्सीडेंट हो गया। एक बुज़ुर्ग अंकल से, आई नो वो बुज़ुर्ग अंकल जो थे, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और बहुत दुख की खबर है कि उनके भी जट प्रभजोत पाजी के लेग्स भी फ्रैक्चर हो गए। तो एक्चुअली वो उनको बचाने के चक्कर में उन्होंने, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक बहुत फास्ट चलती है, तो वो जा रहे थे एकदम बीच में आए, तो उनको बचाने के चक्कर में वो साइड में नाले में गिर गए, लेकिन बच भी नहीं पाए, वो भी नहीं बच पाए। और जट प्रभजोत पाजी को भी चोट बहुत आई है और वो क्रिटिकल है, तो हम सब प्रे करें उनके लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और न्यूज़ में भी सुनने में आ रहा है कि नेपाल पुलिस अब क्या मतलब फाइनल करेगी ये वो, तो चलो बात की बात है, पहले हम सब यही अरदास करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हेल्थ सही हो जाएगी तो फिर तो जो भी होगा देखा जाएगा। और बाकी हमें अपने इंडियन गवर्नमेंट्स पे भी विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो पूरी करी थी कि उनको बचा लें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो चलो, वे आर होपिंग फॉर द बेस्ट, सो लेट्स सी क्या होता है। बट बस सब अरदास करो कि वो जल्द से जल्द उनकी हेल्थ सही हो जाए, ठीक हो जाए, और जल्दी से जल्दी वो इंडिया वापस आए, इंडिया वापस आए, क्योंकि हमें उनके ब्लॉग की आदत हो चुकी है। हाँ, हम रेगुलर उनको फॉलो करते हैं, उनकी फैमिली व्लॉग्स जो किरण चंडो के नाम से चैनल है वो हम फॉलो करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। उनके जो जीजू है वो बनाते हैं वो व्लॉग्स, तो और दीदी भी बनाते ही हैं, मतलब यूजुअली जीजू बनाते हैं। तो बस हम सारे परिवार को भी भगवान हिम्मत दे फेस को पार करने के लिए, बस यही है बस कि ठीक हो जाए बस वो। तो आप ही प्रे करें, जिस चीज को भगवान को आप मानते हो उनसे आप प्रे करें कि जल्दी वो ठीक हो जाए एंड वापस इंडिया आए। और बाकी नेपाल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है वो उनके ठीक होने के बाद वो देखते हैं बाद में। बाकी आप प्रे करते रहें करते रहें, क्योंकि अभी वो आईसीयू में है और डॉक्टर ने बोला 72 आवर्स उनको आईसीयू में रखेंगे पूरी निगरानी में डॉक्टर्स की, और उसके बाद वो डिसीजन बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो तब तक होप फॉर द बेस्ट और अच्छे से प्रे करें, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है, तो सब दुआ करेंगे तो फिर कमाल ही हो जाएगा, तो सब मिलके दुआ करते हैं। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को एंड करते हैं।